दोस्तों कैसे हैं आप लोग भी अच्छे होंगे जी। दोस्तों आज हम आप लोग अच्छे और नए वीडियो के साथ हम फिर आ चुके हैं जी। दोस्तों आप लोग हम बताने वाले हैं कि केसवी इन्वर्टर सोलर पैनल और केसवी वाला जो पैनल होता है बड़ा पैनल, वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप लोगों का भी इस वीडियो हम दिखाने वाले हैं जी। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा पैनल है। ये पैनल को हमको इंस्टॉल करने का है। दो जो है मीटर रहेगा, एक सोलर का मीटर रहेगा और एक केसवी यानी कि एक लाइट वाला मीटर रहेगा, जो कि यहाँ केसीबी का मतलब होता है केरला पावर लिमिटेड होता है, वो इसका मीटर रहेगा। देखिए मेरा RYB है, हमारा MCB है और इसको ओपन करके आप लोग दिखाएंगे कुछ इस तरह का है। अभी बस पैनल रेडी है, बस इसमें हमको कनेक्शन करने का है, तो हम कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बस ये पैनल हमारे पास आ चुका है कंपनी से और इसको हम इंस्टॉल करके हम दिखाएँगे जी। दोस्तों देख लीजिए, यह हमारा चैम्बर है और ये हमारा लोड वाला है, 63 एम्पियर का है। ये 84 फ्यूज है, RCCV है और हमारा ये 32 एम्पियर का है। ये बेचारे ये हमारा सोलर पैनल है, सोलर के ऊपर मीटर लगेगा, उसके बाद ये हमारा रेडी होगा। 32 63 आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हम मीटर यहाँ पे इंस्टॉल होगा लाइट वाला। 3 फेस मीटर डाला जाएगा यहाँ पे और 3 फ्यूज है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। अभी चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इलेक्ट्रिकल लोड सब्सक्राइब करें, साथ में मेरा कन दबा ना भूले, ताकि नेक्स्ट नया वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहे जी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम ड्रिल करके और 10 mm का एंकर फास्टनर इसमें हम होल करके डाल चुके हैं और उसके बाद अच्छे से इसको हम प्लायर से या एडजस्टेबल से किसी के माध्यम से अच्छे से इसको हम टाइट कर देंगे। फिर यहाँ पर बस फंसा कर रखे हैं। उसके बाद हमारा नीचे का भी 2 होल बाकी है जो ड्रिल करने का है, जिसको हम मार्किंग कर दे रहे हैं। मार्किंग होने के बाद ड्रिल करके उसके बाद 2 और एंकर फास्टनर हम डाल देंगे। हमारा स्पीड लेवल रेडी है और बस यहाँ पर मार्किंग करके उसको फंसा देने का है नट को, और उसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे। देखिए हम उसको निकालेंगे, उसके बाद होगा 2 हमारा नट रेडी हो गया है। 2 नट नीचे का है, उसको निकाल के हमको ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल करने के बाद उसको एंकर फास्टनर को ठोकने के बाद उसके बाद स्क्रू करना पड़ेगा। तो हम ड्रिल अभी कर लिए हैं, ड्रिल करने के बाद एंकर फास्टनर भी हम लगा के दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहले एंकर फास्टनर डाल लिए हैं और उसके बाद हमारा पैनल को ऊपर रखना चाहिए। पैनल ऊपर रखेंगे तो उसके बाद एडजस्टेबल से या रेंच के माध्यम से, स्पिनर के माध्यम से इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे ताकि पैनल नीचे नहीं आएगा। पैनल की वेट ज़्यादा है इसलिए अच्छे से उसको टाइट भी करने का है। हमारा 4 पीस एंकर फास्टनर डाला गया है ऊपर रखने के लिए। इस माध्यम से आप लोगों को पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक एक प्रोसेस कैसे कैसे क्या करने का है। हमारे साथ बने रहिए। चलिए देख सकते हैं कि हमारा ये टाइट हो चुका है ऊपर का। अभी नीचे का बस थोड़ा टाइट करने का है, उसके बाद रेडी हो जाएगा। हमारा ये भी अच्छा से अभी टाइट हो चुका है ऊपर का भी। इसी की जैसे पूरा चारों नट है एंकर फास्टनर अच्छे से चारों टाइट कर देंगे हम। 2 ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, बस यही 2 बाकी है। तो हमारा एक और ऊपर का हो गया है, बस नीचे का बाकी है। अभी हमारा रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी आगे का प्रोसेस हम बताएंगे, केबल ग्लैंडिंग कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, पूरा बताने वाले हैं इसमें हम। तो ये हमारा टाइट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, केबल को ग्लैंडिंग के लिए शुरू करेंगे हम। पहले ग्लैंड करने से पहले ये मेरा मेटल का
प्लेट है इसमें होल नहीं है, तो हमारा थ्री केबल है, तो थ्री केबल का साइज वाइज साइज हम होल कर लेंगे। तो मेरा एक होल आप लोगों को दिखा दिया, इसी तरह से मैं तीन होल कर लेंगे। तो मेरा ये एक होल हो गया रेडी। अभी केबल हम कटिंग करना शुरू कर दिए हैं एक्स्ट्रा ब्लेड से, जो आपका साइज चाहिए उसके हिसाब से केबल को कटिंग कर लेना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा कटिंग करते हैं चारों तरफ, उसके बाद नाइफ से स्लीव को निकाल लेंगे। नाइफ से स्लीव को हम निकाल देंगे, उसके बाद ये हमारा चकनट है ग्रैंड का, जो कि हम आप लोगों का हैंड में अभी आप लोगों को दिखाएंगे। हम हैंड में लेकर के ये नाइफ से इसको स्लीव को निकालेंगे। नाइफ से निकालने के पहले वो हमारा अभी नीचे फर्स्ट में हम डालेंगे जो ये हमारा एक नीचे का पार्ट हो गया। उसके बाद वो सपोर्टेड वायर डाल देंगे। उसके बाद अभी आप लोगों को दिखाएंगे हम क्या क्या है। सपोर्टेड वायर हो जाएगा और अभी देखिए स्लीव हम पूरा ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं, अभी थोड़ा और बाकी है। इसमें कभी हम स्लीव निकाल दे रहे हैं। देखिए हम अभी स्लीव निकाल दिए हैं और नीचे से नट को ऊपर लेके आ रहे हैं, और उसके बाद सपोर्टर वाशर और सीलर यूनियन सील्डिंग जो रहता है रबड़ का सील्डिंग बोला जाएगा वो हम डालेंगे। उसके बाद सपोर्टर वाशर डाल के मेन ग्रैंड बॉडी को डाल के अच्छे से हम टाइट कर देंगे। हो गया मेन ग्राउंड बॉडी, अब डालेंगे हमारा नीचे काम अभी हो चुका है। तो मेन ग्राउंड बॉडी डालने के पहले हम आर्मर को कटिंग कर लेंगे, आर्मर को एक एक करके कटिंग कर लेंगे। पहले चारों साइड में एक एक आर्मर को फोल्ड कर देंगे ताकि कटिंग करने में इजी हो और हमारा एक सामान्य हो, नहीं तो एक साइड से कटिंग करेंगे तो एक साइड का छोटा और बड़ा हो सकता है आर्मर, तो बाद में मेन ग्रैंड बॉडी रहता है उसको हमको डालने में मुश्किल हो सकता है, या तो फिर से हमको नीचे ग्रैंड करके कटिंग करना पड़ सकता है। अभी नीचे हम एक एक कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके कटिंग कर लेंगे नीचे अच्छे से कर दे रहे हैं। अभी कटिंग करना हम शुरू कर दिए हैं। कटिंग करने थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन अभी कटिंग हो जाएगा, उसके बाद मैंगलर बॉडी डाल के उसके बाद टाइट करके आप लोगों को हम बता देंगे इस तरह से हो रहा है। एक्स्ट्रा ब्लेड अच्छा थोड़ा रहना चाहिए, ये हमारा थोड़ा पुराना हो गया है, नहीं तो मिनी एक्स्ट्रा ब्लेड रहेगा छोटा वाला वो भी अच्छा रहता है। अभी हम इसे एक चबल से धीरे धीरे कटिंग कर दे रहे हैं, अभी दो तीन और बाकी है वो भी हमारा रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंगलोर बॉडी डाल करके टाइट कर देंगे। देखिए अभी एक एक करके दो तीन बार उसको करेंगे, ब्लेड चलाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक दाग बन जाएगा, तब दाग बनेगा तो फोल्ड करेंगे दो बार मात्र, दो से तीन बार फोल्ड करेंगे तो टूट जाएगा, तो दो से तीन बार फोल्ड करने के बाद टूट जाएगा यानी वो रेडी हो जाएगा हमारा, और साइड में हमारा निकलना नहीं चाहिए। चलिए अभी ये हो गया कटिंग मेरा ऑलमोस्ट, दो और है वो भी हम कटिंग कर दे रहे हैं। दो पीस और आप लोगों को दिख रहा होगा, उतना बस कटिंग करेंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा।
कटिंग करने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। ये हमारा मेन काम है, केवल ग्राइंडिंग टाइम में अच्छे से कटिंग नहीं करेंगे और अच्छे से मार्किंग अगर नहीं कटिंग करेंगे तो हमारा छोटा बड़ा साइज हो सकता है आर्मर का, उसके कारण मेरा मेन ग्लैंड बॉडी बैठेगा नहीं। देखिए मेन ग्लैंड बॉडी हम डालने जा रहे हैं, ये इसको डाल के अच्छे से हम टाइट कर दे रहे हैं। तो इसे टाइट हो गया है, थोड़ा स्पिनर से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीन केबल है, तीनों का ऐसे करके एक करके हम रेडी कर लेंगे। दोस्तों अभी चलिए यहाँ पैनल में ट्रांसमिशन अभी कर लिए हैं, नीचे से आप लोगों को दिखाने का हम कोशिश करेंगे। वो मीटर का ऊपर का है, नीचे आ जाइए। यहाँ देखिए ट्रांसमिशन हो चुका है, RYBA दिख रहा है, ब्लैक वाला या मोटा वाला केबल है वो भी हम ग्राइंड कर रहे थे, वो रेडी हो गया है। और पतला वाला जो तीन दो केबल दिख रहा है, एक हमारा सोलर का है, ये हमारा MCB जो दिख रहा है ना वो मेरा मेन है। ये हमारा मीटर आएगा, इधर 3 फेस मीटर आएगा, ये चैम्बर है, और हमारा ऊपर आएगा 3 फेस का मीटर का वो सोलर का, तो भी हमें भी आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। देखिए अभी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ये हमारा KSB के जो वायर है अंदर जा रहे हैं, तो KSB का मीटर हम लोग नहीं लगाएंगे, और KSB वाला आके वो लगाएंगे खुद। अपना काम रेडी हो चुका है, और हमारा ये सोलर का जो वायर है ये इसको हम थोड़ा डाल के बस वहाँ रखेंगे मीटर तक, मीटर भी हमने इंस्टॉल करेंगे, मीटर वाला ही आके इंस्टॉल करेगा, और एक करके बस यहाँ टाइट कर दे रहे हैं हम। मीटर भी लगा देंगे लेकिन उसका कनेक्शन बाद में होगा, थोड़ा टाइम बाद। हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर दिखाने कोशिश करेंगे मीटर का। 3 फेस मीटर दोनों में आएगा एक एक। तो अभी अच्छे से हमारा ये टाइट हो चुका है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा थोड़ा। ये मेरा RYB में मार्किंग करके रखा हूँ, 1, 2, 3 इससे मार्किंग करके रखा हूँ, तो मेरा RYB वैसे ही ऊपर भी मेरे को मार्किंग मिलेगा। चलिए अभी हम अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। देखिए हमारा अभी अच्छे से अभी टाइट हो चुका है, एक और मेरा बाकी है वो भी हम टाइट कर दे रहे हैं। टाइट करने के बाद ऊपर से कवर डाल देंगे, इसका जर्सी फेज का भी कवर है, उसको भी हम अच्छे से डाल देंगे बाद में। देख सकते हैं कि हमारा रेडी हो गया, बस ऐसा यहाँ पे कवर ब्रश डाल देंगे, वायर इधर से उधर ना जाए, बिखरे ना। ये हमारा रेडी हो चुका है, और आप लोगों को दिखाने कोशिश करेंगे। ये हमारा मीटर है, मीटर को बस इन कर देंगे, आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए इन का हम फोटो दिखाएंगे अभी, देख लीजिए हमारा इन हो चुका है। आउट के लिए वायर रखा हूँ, वो आउट वाला वो लोग आके चेकिंग करके देंगे। चलिए लाइक शेयर कमेंट कीजिए हमारे।